हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दी एग्जाम हेल्पर में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम EMRS एग्जाम के लिए इंग्लिश का जो आपका CBSE के द्वारा पेपर लिया गया था, फर्स्ट मार्च फर्स्ट आपका इंग्लिश का पेपर देखने वाले हैं। ये मैं एक पेपर कर रहा हूँ क्योंकि फर्स्ट मार्च के हम सभी जो आपके सब्जेक्ट होते हैं उनके पेपर हम ऑलरेडी कर चुके हैं। इसके बाद जो सेकेंड शिफ्ट रहेगी उसमें मैं आपको कंप्यूटर का हुआ उसमें बाकी सारे बचे हुए और मैथ्स का हो चुका है, ठीक है। बाकी के चार सब्जेक्ट जो रहेंगे मैं आपको एक ही शिफ्ट में करा दूंगा, ऐसे थर्ड के पूरा पेपर करा दूंगा, फोर्थ का, फिफ्थ का, और इस तरीके टोटल सात सब्जेक्ट तो उसके मैं करा दूंगा। इंग्लिश का एक पहला हम केवल इंग्लिश का ले रहे हैं यहाँ पर, बाकी बाद में जो कराऊंगा आपको सारे इंक्लूडेड करा दूंगा, ठीक है। तो दोस्तों चलिए पेपर जो फर्स्ट है हमारा उसे स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपको मॉक टेस्ट मिलते हैं हमारे द एग्जाम हेल्पर की मॉक प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पर मिल जाएंगे, और ये हमारी क्लासेस वो जो हैं वो यहाँ पर चल रही है, ठीक है, द एग्जाम हेल्पर GK पर। और कंप्यूटर के टोटल 8 हैं, ये वाला फुल फॉर्म वाला वीडियो जरूर देख के जाना, एक क्वेश्चन पक्का मिलने वाला है, ठीक है। एक से दो दो भी मिल सकते हैं क्योंकि 30 नंबर का कंप्यूटर है ना, तो इसको जरूर देख के जाना। बाकी मैथ्स की आपकी CI रह गई है और एक मेंसुरेशन रह गया, तो ये आपको मिल जाएगा। अभी नीतीश सर की थोड़ी तबीयत वगैरह ख़राब थी, है ना, तो आपको कल पूरी कोशिश रहेगी। संधि का भी आ गया वीडियो, तो ये सारे आप जाके देख लीजिएगा, और ये वाले जरूर देख लीजिएगा दोस्तों, ये कंप्यूटर प्रीवियस ईयर पेपर वाला, ठीक है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से आपको दिख रहा होगा, देखिए KVS जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट फर्स्ट मार्च शिफ्ट फर्स्ट 1 मार्च 2023 10 बजे, है ना। KVS का पेपर है, CBSE के द्वारा जो है कंडक्ट कराया गया था, ओके। चलिए तो देखिए, यहाँ से सबसे पहले आपसे एक पैसेज पूछा गया था, पैसेज में क्या था, पैसेज पढ़ेंगे सबसे पहले हम, क्योंकि जब भी पैसेज आता है तो आपको किस तरीके से क्वेश्चन को करना है, सबसे पहले क्या करना है, रीड करना है पैसेज को, ठीक है। पैसेज को एक रीड करना है और उससे एक आइडिया लगा देना है कि पैसेज में क्या स्टोरी चल रही है, क्या कुछ चीज़ें जो है वो पैसेज के अंदर हो रही है, ठीक है, ओके। चलिए तो देखिए, और उसके बाद क्वेश्चन पे आना, जब आप पैसेज को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाता है, मैं अभी आपको बताऊंगा, ठीक है। चलिए फर्स्ट पैराग्राफ बोल रहा है कि आई एम द वर्ब, इसको थोड़ा छोटा करते हैं, पर देखिए यहाँ से देखिए, आई एम द वन ऑफ दोज हु लव द डेजर्ट, बोल रहा है कि मैं उनमें से एक हूँ जो कि क्या करते हैं, रेगिस्तान को पसंद करते हैं। इट ब्रिंग्स पीस टू माइंड आफ्टर द डेली बैटल फॉर वंस ब्रेड, ये क्या करता है, ये हमें पीस ऑफ माइंड यानी कि मन की शांति देता है, कब, जब हम डेली का जो बैटल है हमारा वंस ब्रेड, वंस ब्रेड का मतलब होता है अपना जो जीवन यापन के लिए जो हम रोटी रोजी रोटी कमाते हैं उसको बोलते हैं वंस ब्रेड, है ना। तो जब हम डेली के जो रोटी कमाने के संघर्ष में लगे हुए हैं उससे ये क्या करता है, मुझे पीस ऑफ माइंड देता है यानी कि मुझे मन की शांति देता है। व्हेन आई एम टायर्ड ऑफ फाइटिंग, जब मैं फाइटिंग से परेशान हो जाता हूँ, द ग्रीन कंट्री साइड डज नॉट अलाउ मी टू फॉरगेट माई बरीज, है ना। तो क्या ग्रीन जो ग्रीन कंट्री साइड है ना, ग्रीन कंट्री साइड बोले शहर में जाओगे आप, है ना, आपको जो है हरे भरे पेड़ पौधे फूल फ्लावर वगैरह देखेंगे, तो वो क्या करना, वो मुझे भूलने नहीं देता किस चीज़ को, मेरी चिंताओं को, ठीक है। जब मैं मतलब थक जाता हूँ लड़ाई से, है ना, द ग्रीन मतलब जिंदगी की लड़ाई से जब मैं थक जाता हूँ, तो जो ग्रीन कंट्री साइड है यानी कि जहाँ पर पेड़ पौधे ज़्यादा होते हैं, जहाँ पर फूल वगैरह होते हैं, वो मुझे उसको भूलने नहीं देती मेरी चिंताओं को। एवरी वन वेयर आई कैन सी फ्लावर एंड ट्रीज, जहाँ भी मैं देखता हूँ फ्लावर्स और ट्रीज को, वर्ड्स एंड बीटल्स कंटिन्यूइंग द रेस्टलेस स्ट्रगल बिफोर माई आइज, ठीक है। तो मेरी आंखों के सामने जो होता है कि फ्लावर एंड ट्रीज को मैं जब भी देखता हूँ, जो बर्ड्स होते हैं बीटल्स होते हैं, वो लगे हुए हैं अपने संघर्ष में दिन रात, है ना। चलिए, ईच ट्राइंग हार्ड टू विन इवन इफ इट्स ओन लाइफ इज द डेथ ऑफ अनदर, वो किसके लिए हार्ड टू विन, मतलब सभी लोग जीतने के लिए लगे हुए हैं, संघर्ष में लगे हुए हैं, और इवन इफ, और जबकि उनकी खुद की जो जीवन है वो दूसरे के लिए बहती हुई है ना, ऐसा इसका बोला गया है। चलिए इसके बाद सेकंड पैराग्राफ बोला कि इन द डेजर्ट रेगिस्तान में, हाउ एवर द सन इज द मास्टर, मतलब देखिए जो सन है वही मास्टर है भाई रेगिस्तान का, तो है ना। ऑल एल्स रिटायर्स बिफोर इट्स मर्सिलियस रेज, मतलब उसकी जो किरणें होती हैं जो हानिकारक, मतलब मर्सिलियस बिल्कुल दयाहीन जो किरणें होती हैं, उनसे सभी लोग क्या हो जाते हैं, थक जाते हैं ना। चलिए, ओनली ओनली वेयर देयर इज वाटर डज द अर्थ ऑफ द डेजर्ट गिव्स अ रिच होम टू ट्रीज एंड फ्लावर, ओनली वेयर देयर इज वाटर डज, जहाँ पर
पानी होता है किसमें, रेगिस्तान में, वहाँ पर क्या होता है जो हमें रिच होम मिलते हैं, ट्रीज मिलते हैं और फ्लावर्स मिलते हैं, बट वन हैज़ टू गो अ लॉन्ग वे टू फाइंड वाटर इन अ डेजर्ट। ठीक है, रेगिस्तान में आपको पानी तो मिल जाता है, पानी जहाँ मिलेगा वहाँ पर आपको रिच होम मिलेंगे, ट्रीज मिलेंगे, फ्लावर्स मिलेंगे, बट इसके लिए आपको थोड़ा संघर्ष करना पड़ेगा, उसे ढूंढना पड़ेगा, है ना। रेगिस्तान में बहुत दूर दूर तक जाना पड़ता है और बहुत ही कम जगह ऐसी होती है जहाँ पर आपको ये सारी सुख सुविधा मिलती है, जहाँ पर पानी होता है, ठीक है, वाटर इन डेजर्ट। ठीक है, अदरवाइज इट वुड नॉट बी अ डेजर्ट। भाई जब डेजर्ट में आपको भटकना ना पड़े दूर तक पानी की तलाश के लिए, फेल फूल फलों के लिए, तो वो डेजर्ट ही किस काम का, है ना, तो वो डेजर्ट की श्रेणी में नहीं आता है। सो दोज हु लव द पीस ऑफ ट्रीलेस एंड ग्रासलेस प्लेस कैन स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ रॉकी हिल एंड सी नथिंग अराउंड देम बट द सन बेक्ड डेजर्ट। ठीक है, तो अगर कोई भी क्या चाहता पीस चाहता है, ट्रीलेस एंड ग्रासलेस मतलब घास को देखे बिना और जो आपको पेड़ पौधे होते हैं उसको देखे बिना मन की शांति चाहता है, तो वो क्या कर सकता है, वो जो पहाड़ी इलाके होते हैं वहाँ पर जो उसकी हिल होती है, चोटियाँ होती हैं, वहाँ पर जा सकता है। वहाँ से उसे देखने को मिलेगा कि केवल सूर्य की जो ताप है, उसके अलावा उसे कुछ देखने को नहीं मिलेगा दूर दूर तक, है ना, विथ नो साइंस ऑफ एफर्ट और पैसन टू डिस्टर्ब देम। वहाँ पर आपको कोई भी साइन नहीं दिखेगा जो आपको डिस्टर्ब कर सके, है ना। चलिए, देन स्टैंटन इन स्पिरिट। ठीक है, ओके, मतलब फिर उसके बाद क्या करता है, वो अपनी जो आत्मा है उसको क्या करता है, मजबूत करता है, विद अ रेस्टेड एंड पीसफुल माइंड दे कैन रिटर्न टू द बैटल ऑफ एग्जिस्टेंस इन द टाउन। फिर वो क्या करता है, शांति के बाद फिर से वो वापस चला जाता है अपनी आत्मा को मजबूत करते हुए, एक विद अ रेस्टेड एंड पीसफुल माइंड, और उसका जो मन शांत है और जो बिल्कुल मतलब रेस्ट आराम कर चुका है, उसके मन को फिर से लगाता है किस लिए, दे कैन रिटर्न टू द बैटल ऑफ एग्जिस्टेंस इन टाउन, मतलब शहरों में जीवन संघर्ष के लिए फिर से वापस आ जाते हैं अपनी आत्मा को मजबूत करते हुए। ठीक है, तो ये इसका मतलब था, है ना, कि मतलब ये बोला कि एक बंदा है जो उसको लगता है कि जो हमारे सिटी होते हैं वहाँ पर बहुत शोर शराबा होता है इस टाइप का, और उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, वो मन की शांति चाहता है, तो वो रेगिस्तान में चला जाता है। तो रेगिस्तान के बारे में उसने कहानी बताई कि रेगिस्तान में किस तरीके की चीज़ें होती हैं हमारे साथ। ठीक है, चलिए, द फ्रेज डेली बैटल फॉर वंस ब्रेड, तो मैंने बताया वंस ब्रेड यानी अपने जी रोजी रोटी कमाना, डेली जीवन यापन के लिए रोजी रोटी कमाना, उसको बोलते हैं द डेली बैटल ऑफ वंस ब्रेड, यानी कि क्या हो जाएगा, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस इन लाइफ, है ना, मतलब जी लाइफ में स्ट्रगल करना जीने के लिए, है ना, एग्जिस्टेंस मतलब अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए स्ट्रगल करना, किसमें, लाइफ में, रोजी रोटी कमाना, भाई कोई हरी खेल थोड़ी ना, आपकी सरकारी नौकरी भी लग जाएगी तब भी आपको क्या है, सुबह से लेकर शाम तक क्या करना है, सुबह चिंता रही ऑफिस जाना, शाम को आएंगे घर पर थके आ रहे, रोटी खाएंगे सो जाएंगे, क्या चल रहा है, स्ट्रगल ही तो चल रहा है ना, जैसे अभी देखिए, है ना। चलिए, सेकंड में बोल रहा कि अकॉर्डिंग टू द राइटर विच प्लेस इज ग्रास लैंड एंड ट्रीलेस। अभी अपन ने पढ़ा था टॉप ऑफ अ रॉकी हिल एंड अ सनी ड्राई डेजर्ट, डेजर्ट में भी आपको ग्रासलेस और ट्रीलेस मिलेगा, और हिल पहाड़ी पे भी जाएंगे, है ना, रॉकी हिल पत्थर की पहाड़ी पर जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको ये चीज़ें मिलेंगी, तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगला है अ ग्रीन कंट्री, बस एक बार आपको ये पैसेज पढ़ना है, उस एक बार पढ़ना है, लगभग 2 से लेकर 5 मिनट भी आपको लग सकते हैं, टाइम आपके पास 2.5 घंटा है, तो आराम से पैसेज पढ़िएगा, उसके मतलब को समझने की कोशिश करिएगा, फिर ये क्वेश्चन कुछ नहीं लगेंगे आपको। अ ग्रीन कंट्री साइड रिप्रेजेंट, जो ग्रीन कंट्री साइड है वो किसे रिप्रेजेंट करती है, इसके अकॉर्डिंग बताना है, इसके अकॉर्डिंग हम लोग बोल रहा था अ रेस्टलेस स्ट्रगल, है ना, पीस ऑफ माइंड, ये तो डेजर्ट दे रहा था ना, अ ग्रासलेस पीस प्लेस, नहीं भाई, आप ग्रीन कंट्री साइड में जाएंगे तो ग्रास मिलेगा ही, अ रिच ग्रीन होम ये भी मिलेगा, अ रेस्टलेस स्ट्रगल मतलब बिना थके काम करना, बिना थके संघर्ष करना, यही तो मिलता है आपको ग्रीन कंट्री साइड में। देख लो आप गाँव में लोग आप चैन से रोटी खाते हैं, सो जाते हैं, सुबह उठते हैं, खेत में चले गए काम कर लिए, शहरों में तो काम करने के लिए आना है, दिन भर मोबाइल में आँखें कंप्यूटर में घुसी पड़ी हैं, और मतलब शोर शराबा प्रदूषण इतना है, तो क्या इतनी टेंशन से, है ना, उल्टा सीधा खाना मिल रहा है, चाइनीज़ फूड मिल रहा है जो कि उसमें केमिकल्स होते हैं हार्मफुल, है ना, मोमोज, चाइनीज़, मोए 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 नहीं मोमोज बोल रहा हूँ, ठीक है, चलिए, तो ये सब शहर में क्या है, बहुत ज़्यादा शोर शराब, आप गाँव में जाइएगा कभी, है ना, तो आपको शहर के कंपैरिजन में ज़्यादा शांति आपको गाँव में मिलेगी। ओके, चलिए, चौथा क्वेश्चन दोस्तों हमारा बोलता है स्टडी द फॉलोइंग सेंटेंस, बोला कि इन द ग्रीन कंट्री साइड द फ्लोरा एंड फौना आर एंगेज इन नेवर एंडिंग स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। तो बोला कि ग्रीन कंट्री साइड में जो फ्लोरा एंड फौना यानी कि वनस्पतियाँ और जो जीव जंतु हैं वो एंगेज हैं इन अ नेवर एंडिंग स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस, ये नेवर एंडिंग स्ट्रगल नहीं बोल सकते इसको, है ना, कि कभी ना खत्म होने वाला, कभी तो खत्म हो ही जाता है वो संघर्ष, है ना, तो ये भी नहीं होगा, लाइफ इन अ डेजर्ट
स्ट्रेंथन द स्पिरिट एंड प्रोवाइड्स पीस ऑफ माइंड, है ना भाई। बोला कि डेजर्ट में आप जाएंगे तो आपकी आत्मा मजबूत हो जाती है, और आपकी आत्मा मजबूत होती है, और जो डेजर्ट होते हैं वो हमको पीस ऑफ माइंड प्रोवाइड करते हैं। तो भाई क्या बोला, लाइफ इन अ डेजर्ट स्ट्रेंथन द स्पिरिट। भाई स्पिरिट को डेजर्ट में नहीं करते, अपन ने यहाँ पढ़ा था देन स्ट्रेंथर्ड इन अ स्पिरिट, है ना, विद अ रेस्टेड एंड पीसफुल माइंड। भाई आपको ये शांति तो प्रोवाइड कर देंगे, है ना, बट स्ट्रेंथन द स्पिरिट नहीं करेंगे, ये आपको आत्मा मजबूत करनी पड़ेगी। किसके लिए? शहरों में वापस जाने के लिए, ठीक है। लाइफ इन अ डेजर्ट स्ट्रेंथन द स्पिरिट एंड प्रोवाइड पीस ऑफ माइंड, ये नहीं है, है ना। लाइफ जो है हमें किस लिए? सिटियों में जाने के लिए हमारी आत्मा को मजबूत करती है, ना कि डेजर्ट में शांति ढूंढने के लिए। ओके, तो दोनों ही आपके क्या हो जाएंगे? इनकरेक्ट हो जाएंगे। चलिए अगला देख लेते हैं दोस्तों, रेस्टलेस स्ट्रगल, मतलब बिना थके लगातार संघर्ष करना। यहाँ देख लेते हैं, डज नॉट मीन, उसका मतलब नहीं है, ये ध्यान रखना, ये जरूर पढ़ लिया करो पूरे पेपर। तो होता है अनडिस्टर्ब्ड पैशन, तो ये तो इसका मतलब होता है अनडिस्टर्ब्ड पैशन, ठीक है। और कंटिन्यू एफर्ट करना, ये भी इसका मतलब होता है। स्ट्रेंथन स्पिरिट, आत्मा को मजबूत करना संघर्ष के लिए, ये भी होता है। पीस एंड रेस्ट, इसका ही आंसर हो जाएगा। रेस्टलेस स्ट्रगल का मतलब नहीं है क्या? पीस एंड मैन, भाई जब यहाँ बोला आराम के बिना, यहाँ पीस और रेस्ट की बात कर रहा है, तो यही हो गया ना इसका मतलब, ठीक। चलो अगला छठवां क्वेश्चन दोस्तों, इसमें आपसे फ्रेजल वर्ब पूछा जाता है, ठीक है। फ्रेजल वर्ब से आपको एक से दो क्वेश्चन हर शिफ्ट में देखने को मिले थे, ठीक है, सॉरी दोस्तों, है ना। तो यहाँ बोला है कि राधा इज अ ब्राइट एंड डिलीजेंट स्टूडेंट, राधा जो है वो एक होनहार और एक मेहनती छात्र है। हर टीचर सेज सीज डैश अंडरस्टैंडिंग, तो उसके जो टीचर्स बोलती है कि सीज क्विक एट, क्विक एट मतलब त्वरित रूप से, है ना, जल्दी। ओके, त्वरित रूप से लैग क्यों होता है, एक सेकंड हो गया, कैसा बोला, त्वरित रूप से क्या कर लेती है, वो चीज़ों को अंडरस्टैंड कर लेती है ना। उसके टीचर कहती है कि वो एक होनहार और मेहनती छात्रा जो कि त्वरित रूप से मतलब तुरंत, है ना, एकदम, मतलब जैसे कोई होता है ना कोई स्टूडेंट के, मतलब एक बार उसे समझा दो सब समझ में आया था, तो वही है क्विक एट का मतलब होता है त्वरित रूप से किसी चीज को समझ लेना। ओके, चलिए चलिए यहाँ से नीचे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि व्हाट इज द यूज ऑफ, मतलब कि व्हाट इज डैश यूज ऑफ डैश यूनिवोकल वॉइस इफ इट इज नॉट हियर्ड। भाई ऐसी बोला कि व्हाट इज द, इसका मतलब हो रहा है कि व्हाट इज द यूज ऑफ, व्हाट इज द यूज ऑफ, अब देखिए यहाँ यूनिवोकल है, यूनि इससे स्टार्ट होता है, ठीक है, ये मत बोला ए आई ओ यू, ये नहीं होता, स्वर से जो भी चीज स्टार्ट होगी, स्वर से, स्वर यानी कि आ से लेकर अगा तक, ठीक है, ये होते हैं स्वर। अगर इनसे कोई चीज हिंदी में कन्वर्ट करके देखना उस चीज को, अगर इनसे कोई चीज स्टार्ट हो रही है तो वहां हम एन लगाएंगे, क्या लगाएंगे, एन। अब ये यूनि से हो रहा है तो यहाँ क्या लगाएंगे, एन तो लगेगा नहीं, एन नहीं लगेगा, एन नहीं लगे, बचा एक आंसर, खत्म, है ना। बोला कि व्हाट इज द यूज ऑफ अ यूनिवोकल वॉइस इफ इट नॉट हियर, मतलब ऐसी यूनिवोकल मतलब सुंदर आवाज, सुरीली मधुर आवाज, तो व्हाट इज द यूज ऑफ, मतलब क्या फायदा ऐसी आवाज का जो इतनी सुंदर है और जिसे सुना ही ना जाए। भाई जब इतनी सुंदर आवाज ही नहीं सुनी जा रही है तो उस चीज का क्या फायदा। चलिए तो आपको ऑप्शन के थ्रू भी जाना है, सारी चीजों को देखते हुए यहाँ से जल्दी आपको आंसर मिलने वाला है, ठीक है। चलिए वैसे तो क्लियर कर देते हैं, अगला क्वेश्चन दोस्तों, सेलेक्ट द वर्ड विच इज अपोजिट मीनिंग, ओके, विजिट अपोजिट मीनिंग ऑफ द वर्ड गिवन इन कैपिटल लेटर। इसका 42 का अपोजिट निकालना है, उल्टा मतलब निकालना है, ठीक है, एंटोनिम ढूंढना है। तो 42 का मतलब होता है मजबूत करना एक तरीके से, है ना, मजबूत रूप से, है ना। तो इसका हम देखेंगे करेज, करेज माने भी तो मजबूत होता है ना, वैल्यूंट दयालु, तो ये तो कुछ अलग वर्ड हो गया ना, काइंडनेस के तरीके, और बेनिवोलेंट जो दयालु होता है वो भी एक तरीके से मजबूत होता है ना। टेनासिटी इसका मतलब भी हिम्मत से होता है, बहादुरी से। कावर्डाइस डरपोकी, डरपोक, यहाँ 42 मतलब हिम्मत से, यहाँ डरपोकता से, तो कौन सा आंसर हो जाएगा, अपोजिट, अपोजिट ढूंढना था, ध्यान रखिए ना, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब बोला है कि देखिए, अब बोला दोस्तों कि सेलेक्ट द विच इज द क्लोजेस्ट, यानी कि सिनोनिम आपको ढूंढना, क्या ढूंढना, सिनोनिम ढूंढना, सिनोनिम, ठीक है, किसका, इसका अप्राइज, अप्राइज का मतलब होता है दोस्तों सूचित करना, है ना, इन्फॉर्म करना, सूचित करना, जानकारी देना,
इस तरीके से इसका जो मतलब वो होता है। ओके चलिए डिलीट करते हैं। तो इसका कौन मतलब सूचित करना, मैंने बता दिया पेन क्यों लैग कर रहा है। ठीक है, तो एक्वेंट, एक्वेंट माने भी दोस्तों होता है सूचित करना, जानकारी देना, और इन्फॉर्म माने भी होता है जानकारी देना, सूचित करना। तो बहुत आपके क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 10 नंबर का, कि कंप्लीट द सेंटेंस विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड। इनमें से कौन सा वर्ड सुटेबल है इसके लिए। डेफिशियंसीज कैन बी बेस्ट करेक्टेड थ्रू, यानी कि जो हमारी कमियां होती हैं, जो हमारी कमियां होती हैं उनको कि हम किस तरीके से जो है उनको करेक्ट कर सकते हैं, है ना। हमारी जो जो भी कमी होती है किसी भी तरीके की, उसको हम किस तरीके से जो है करेक्ट कर सकते हैं। तो डिस्कवरी उनकी खोज करके, खोज थोड़ी ना होगी, डिडक्शन कटौती करके, ये क्या चीज़ है, कॉम्प्रिहेंशन समझ के ना, रेमिडिएशन उनका निवारण करके। भाई क्या कमी है, जैसे आप मॉक टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे तो उसके लिए हम क्या ढूंढेंगे, पेन क्यों नहीं चल रही यार। जैसे मॉक टेस्ट में हमारे मार्क्स नहीं आ रहे तो, है ना, मॉक टेस्ट में मार्क्स नहीं आ रहे तो उसके लिए कोई ना कोई तो हल होगा, कोई तो सॉल्यूशन होगा जिससे हमारे मार्क्स बढ़ सके, है ना। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, मॉक का एनालाइज करना पड़ता है। तो वही है कि डेफिशिएंसी कम करना है तो आपको रेमेडिएशन, उसका निवारण ढूंढना पड़ेगा। ओके चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। यार इसमें बहुत दिक्कत है। चलिए अगला है दोस्तों, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट फ्रेज फ्रॉम द फोर गिवन ऑप्शन दैट कम्प्लीट इन दिस सेंटेंस। तो इसमें बोला कि आई कैप्चर्ड अ कैटरपिलर दैट डैश अ बटरफ्लाई। तो कैटरपिलर आपको मालूम है कि इसमें बटरफ्लाई में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इसमें आता है टर्न इंटू, अवस्था या रूप परिवर्तन के लिए हम इंटू का यूज़ करते हैं, तो टर्न इंटू हमारा सही आंसर हो जाएगा। ओके मतलब एक ऐसी अवस्था से परिवर्तित हो जाना नई अवस्था में, यहाँ से आप वापस नहीं आ सकते, इससे इसमें तो जा सकते हो एक साइड से, वापस नहीं आ सकते, तो उसमें हम इनटू का यूज़ करते हैं। ओके चलिए, फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट वोकेबलरी आइटम्स टू द कंप्लीट दी सेंटेंसेस। ठीक है, तो यहाँ पर वोकेबलरी की बात करिए, तो सी लिव्ड डैश ऑस्ट्रेलिया। तो भाई जब कोई बंदा किसी बिग सिटी में रहता है, बिग सिटी हो गई, है ना, बिग कंट्री हो गई, स्टेट हो गया, तो वहाँ पर बिग बिग कोई बड़ी चीज़ होगी, वहाँ पर हम रुकने के लिए इन लगाते हैं। तो इन तो भाई सब में, ठीक है, इन सब में। अब बोला है कि सी लिव्ड इन ऑस्ट्रेलिया डैश 2008 टू 2015। ऐसा बोलते हैं ना कि भाई हम जो है हमारे बचपन में, जैसे सन 2010 से लेकर 2020 तक, है ना, 2010 से लेकर हम 20 तक कहाँ रह रहे थे, हम मान के चलिए गुजरात में रह रहे थे। तो 2000 से 20 तक, तो यहाँ पर देखिए फ्रॉम आ सकता है, से माने फ्रॉम से, ड्यूरिंग नहीं हुआ उस दौरान, उस दौरान तो मतलब घटना घटी थी, बिटवीन भी नहीं होगा कि बीच में भी नहीं रहते, वहाँ से वहाँ तक रह रहे थे, और लास्ट में आ गया ड्यूरिंग, ड्यूरिंग यानी दौरान नहीं हुआ। तो फ्रॉम और अंटिल, सी लिव्ड इन ऑस्ट्रेलिया, वो ऑस्ट्रेलिया में रहती थी फ्रॉम 2008 अंटिल 2015, यानी कि 2008 से 2015 तक। चलिए, टू मेक क्लीन ब्रेस्ट, ये एडियम्स होती है, टू मेक अ क्लीन ब्रेस्ट यानी कि अपराध को स्वीकार कर लेना, टू कन्फेस ओपनली, ओके कन्फेस कर लेना कि मैंने किया था। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज यू कैन नॉट डू डू इफ यू हैव इंसोमिया, मतलब आप कौन सी एक्टिविटी जो नहीं कर सकते जब आपको इंसोमिया, ये वन वर्ड होता है, इंसोमिया माने अनिद्रा, अनिद्रा की जो बीमारी होती है ना, अनिद्रा मतलब नींद नहीं आना, तो स्लिप, आप स्लिप सो नहीं सकते हैं इंसोमिया अगर आपको है तो। ठीक है चलिए, 15 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, पीछे तक क्या रहा है पता नहीं है यार इसका, ठीक है। तो 15 नंबर का दोस्तों क्वेश्चन है आपका, वी नीड टू हैव, क्या हो रहा है इसमें, वी नीड टू हैव मोर पीपल ऑन द स्टाफ हु विल एक्ट डैश प्रॉम्प्टली एंड रिस्पॉन्सिबली इन इमरजेंसी सिचुएशन। तो कम कोई कंपनी बोले कि हमें हमें ऐसे और अधिक स्टाफ की आवश्यकता है जो कि तुरंत रूप से और जिम्मेदारी से इमरजेंसी सिचुएशन को क्या कर सके, हैंडल कर सके। तो हु विल एक्ट सीमिंगली प्रतीत ड्रामे नाटकीय रूप से निम्बली, ये भी नहीं हुआ, तो थॉटफुली मतलब इमरजेंसी सिचुएशन में हुआ, दिमाग मतलब सोच विचार कर और जल्दी से और जिम्मेदारी के साथ काम करें, हमें ऐसे और स्टाफ की आवश्यकता है। ठीक है चलिए, अगला दोस्तों आपको स्पेल्ड करेक्ट, करेक्टली स्पेल्ड पूछा, तो मिलेनियम, मिल ले नियम, ये होती है आपकी करेक्ट स्पेलिंग। ठीक है इस तरीके से, चलिए
कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग द अप्रोप्रिएट प्रोनाउन, प्रोनाउन का यूज करके आपको सेंटेंस कंप्लीट करना है। माई लैपटॉप इज नॉट वर्किंग, कैन आई यूज योर्स, क्या मैं तुम्हारा यूज कर सकता हूँ, योर नहीं हुआ, क्या मैं तुम्हारा यूज कर सकता हूँ, क्या मैं योर्स यानी तुम्हारा यूज कर सकता हूँ। उसने बात पहले बोल दी कि क्या यूज करने की बात कर रहा है, कंप्यूटर। तो एस जो है वो लैपटॉप को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, यहाँ केवल और लगाएंगे तो तुम्हारा यूज कर सकता हूँ, तो यहाँ सेंटेंस नहीं बनता। योर्स क्या तुम्हारा, तो पहले बात की थी लैपटॉप की, तो एस जो है वो लैपटॉप को इंगित कर देगा कि कैन आई यूज योर्स, योर्स का मतलब होता है कि मैं क्या मैं तुम्हारा जो है लैपटॉप यूज कर सकता हूँ। योर्स ये बता रहा होता है उसका संबंध, रिलेटिव बता रहा होता है। 18वें नंबर का है कि ये आपको पूरा जो पैसेज दिया इसको सिक्वेंस में लगाना है ना, रीऑर्डरिंग करनी है इसकी। तो देखिए अब ऐसे जो ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना रीऑर्डरिंग वाले, है ना, सेंटेंस पेयर बनाना, तो इसको क्या करते हैं हम ऑप्शन के थ्रू करते हैं। किसके थ्रू, ऑप्शन के थ्रू। पहला ऑप्शन हम देख लेते हैं, चलिए डी से स्टार्ट करते हुए बोला है कि ईटिंग आउट, है ना, डी यहाँ से देखिए ईटिंग आउट, फिर बोलता है ए ईटिंग आउट हैज़ बिकम अ फैशन, ठीक चल रहा है, चलिए ईटिंग आउट ऑफ, ईटिंग आउट हैज़ बिकम अ फैशन पीपल टुडे विद द, ये क्या हो गया, पीपल टुडे विद द, ये तो कोई सेंस नहीं दे रहा है ना, तो चलिए इसको छोड़ते हैं, फिर हम दूसरे ऑप्शन पे जाएंगे। ठीक है, दूसरा ऑप्शन क्या बोलता है कि सी से स्टार्ट करना है कि पीपल टुडे, ठीक है कर सकते हैं, पीपल टुडे अ फैशन, पीपल टुडे अ फैशन, ये क्या चीज़ है भाई, है ना, ये भी गलत हो गया लो, है ना। ई से स्टार्ट करते हैं चलिए कि अ फैशन, ठीक है अ फैशन ईटिंग आउट, ये फैशन खा रहा है भाई, क्या बोलना चाह रहे हो, तो ये भी गलत हो गया। अब देखिए यहाँ से करेंगे कि ईटिंग आउट हैज़ बिकम, ईटिंग आउट हैज़ बिकम अ फैशन, चलिए ईटिंग आउट मतलब बाहर खाना एक फैशन बनता जा रहा है विद द पीपल टुडे, मतलब कि आजकल के लोग उनके साथ जो है बाहर खाने का एक फैशन बनता जा रहा है, क्या ईटिंग आउट, ठीक है। चलिए अगला हम नेक्स्ट लेते हैं दोस्तों, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ टू अंडरलाइन वर्ड्स, ठीक है, इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी कि जो अंडरलाइन वर्ड है वो क्या है, नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव वर्ब है। तो बोला इफ आई हैड नोन ऑफ योर अराइवल, अगर मुझे पता होता कि तुम आने वाले हो, आई वुड हैव कम टू द रेलवे स्टेशन टू रिसीव यू। अब देखिए ये तो हमें पता है कि वर्ब है, तो कंजंक्शन तो नहीं है, वर्ब इसमें इसमें इसमें, ये तो ठीक है, ये क्या है पहला वाला। अब लोग आगे इसे समझेंगे एडजेक्टिव, ठीक है एडजेक्टिव रहेंगे, कोई ए एल वगैरह लगा होता तो एडजेक्टिव नहीं आता है। अब इसने भी जो आंसर दिया था वो एडजेक्टिव दिया था, बट अब वर्ब तो है नहीं है, ठीक है, अब बट इसका आंसर होगा नाउन। ठीक है, जब कोई कहीं से आ रहा होता है, किसी मंजिल पर पहुंचता है ना, कहीं पे आया होता है किसी डेस्टिनी, तो उसके लिए हम अराइवल को एज अ नाउन यूज़ करते हैं। ओके, ये होता है आपका आंसर। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों, ये मैंने कहाँ से ले लिया, एक सेकंड, देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि कंप्लीट द सेंटेंस, माई मदर डैश चेक्ड, क्या हो रहा है, माई मदर डैश चेक्ड माई टेम्परेचर आफ्टर द डॉक्टर हैड द लेफ्ट हाउस, जब जो डॉक्टर है वो घर से चला गया है, डॉक्टर के घर से जाने के बाद, मतलब डॉक्टर जब घर से चला गया तो मेरी जो माँ है वो मेरा टेम्परेचर जो है वो चेक कर रही थी। तो किस तरीके, जब आपको बुखार वगैरह आता है तो आपके घर वाले क्या करते हैं, बार बार क्या करते हैं, उस चीज़ को चेक करते हैं कि भाई टेम्परेचर सही है, बुखार कम हुआ नहीं हुआ, टेबलेट खा ली उसके बाद, तो कॉन्स्टेंटली, कॉन्स्टेंटली मतलब लगातार जो है वहाँ पर वो आपके जो टेम्परेचर उसे चेक कर रहे थे, ठीक है, कैजुअली तो कभी कभार, यानी डेलिबरेटली जानबूझ के, वॉन्टली चाह कर, ऐसा तो नहीं था, चाह कर तो नहीं करे कोई, तो कॉन्स्टेंटली लगातार तरीके से, ठीक है। तो ये मैंने आपको टोटल 20 क्वेश्चन इंग्लिश के करा दिए हैं आपसे, ठीक है, और इसके जो नीचे के क्वेश्चन थे ये मैं ऑलरेडी आपको करा चुका था, पेपर फर्स्ट में मौका। अब दोस्तों इसके बाद के जो हम पेपर करेंगे, जैसे कि सेकेंड, 1 मार्च का सेकेंड शिफ्ट का, तो सेकेंड पेपर हम जो करेंगे उसमें मैं आपको मैथ्स हमारा हो गया, इंग्लिश एक साथ करा दूंगा, है ना, हिंदी, और सेकंड में कंप्यूटर हो चुका है तो जीके लेंगे हम, ठीक है ना, और सेकंड में क्या हो चुका है आपका, कंप्यूटर हो चुका है भाई, क्यों ले पूरा, कंप्यूटर हो चुका है, मैथ्स हो चुका है और रीजनिंग बचा हुआ है, ठीक है, बहुत बहुत ले भाई, ये तो हो चुका है, ये रीजनिंग मैं आपको ऑल शिफ्ट के, 7 शिफ्ट के एक ही वीडियो में करा दूंगा, ठीक है, और ये हम करेंगे इसके बाद वाली वीडियो में, फिर आगे से हम टोटल जो मैथ्स हो ही गया आपका सभी में लगभग, फिर हम कंप्यूटर को ऐड कर देंगे अगले से, है ना, क्योंकि 2 हो चुके हैं हमारे कंप्यूटर के, तो वो वीडियो देखना ना भूलिएगा, जल्दी मैं दे दूंगा आपके एग्जाम से पहले ही करा दूँगा, ठीक है। ओके चलिए इतना ही रखते हैं इस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।